अभी कोलकाता के ट्रेन में है और हम लोग जा रहे हैं कोलकाता मैच देखने के लिए। और अभी अपना भाई लोग हैं तो देखो ये लोग फुल मस्ती में है और एक भाई ऊपर है और मस्त Hold me close till I get up. Time is barely on our side. हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग कोलकाता स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ट्रेन हमारा काफ़ी लेट था मगर फिर भी टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत मस्ती आया ट्रेन के जर्नी में और अभी हम लोग निकलेंगे होटल के लिए, तो मिलते हैं हम आपसे डायरेक्ट होटल में। तो भाई अपन होटल पहुंच गए हैं। अपना होटल है राजरहाट में लैरिका इन, जो कि हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लिए थे और बहुत थक गए भाई। अब जाके पहले तो एक शावर लेने वाला हूं और सोने वाला हूं। अरे है ब्लॉग नहीं है, दंगिया में ब्लॉग बना रहा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भाई रात में बहुत मस्ती हुआ, बहुत मस्ती हुआ। 2-3 बजे तक कोई नहीं सोया था, फुल ऑन बकचोदी था। और सुबह सुबह हम लोग निकले एक्वाटिका वाटर पार्क के लिए। और ये सामने जो आप देख रहे हैं विश बंगला गेट है, ये रेस्टोरेंट है। और वो सामने से लिफ्ट ऊपर जाता है और ये पूरा जो राउंड है ये रेस्टोरेंट है न्यू टाउन में। वाटर पार्क पहुँच कर लंबी लाइन के बाद हम लोग को वाटर पार्क में एंट्री मिल गया। अब चलते हैं, फटाफट कपड़ा बदलते हैं और चलते हैं पानी में। दिन बहुत मस्ती आया। ये जो वेदर फ्लिप किया ना, इसके कारण मस्ती हमारा डबल नहीं 10 टाइम ज़्यादा हो गया। तो आज का डे ख़त्म हो गया, आज हम लोग बहुत थक गए हैं। कल हमारा मैच का डे है। अभी हम लोग जाएंगे सोने वाले और आराम करने वाले और मिलते हैं हम आपसे डायरेक्ट कल मैच के दिन। तो एवरीवन, मैच के लिए थोड़ा निकलने में लेट हो गया, होप सो टाइम पर पहुँच जाए ग्राउंड पर। यार जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे कि बारिश मत होना, बट बारिश ये स्टार्ट हुई, होप सो बारिश रुक जाए। चलो भाई बारिश रुक गया, भगवान ने हमारी सुन ली। 15 मिनट मात्र मैच डिले हुआ है और अभी हम लोग हैं ग्राउंड के बाहर, तो चलते हैं ग्राउंड के अंदर। कल हमारा मैच था कोलकाता और गुजरात का, जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट क्लिप पे कोलकाता मैच हार गया। और आज हमारा कोलकाता में लास्ट डे है और ये रहा अपना हावड़ा ब्रिज। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूमने वाले और मेन घूमने वाले यहाँ के बोट पे। इसके नीचे में भागीरथी रिवर है, उसको हुगली रिवर भी बोलते हैं। इस पर बोट चलता है, ये देखो यहाँ पर बोट आएगी
और उधर जाएगी बाबू घाट पे। और ये ट्रांसपोर्ट है, बहुत पुराना ट्रांसपोर्ट है और बहुत ही अच्छा है। तो भाई जो जो एक्सपीरियंस किया सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।